यस बेटा, लगेगा भयंकर थक गए हो, लगेगा बस अब और नहीं, पर सब रोक के रखना। बट आप एक बात समझ के रखें, राइट? सिर्फ जिनमें पेशेंस होता है उन्हीं का काम है सीए, बाकी किसी हर एक के बस की बात नहीं। ये पूरा कोर्स पेशेंस ही है। पेशेंस ये चीज सिखा रहा है कि कल चल के जब सीए के ऑफिस में बैठोगे अपने चेयर पे, सीए के ऑफिस में बैठोगे अपने चेयर पे, ऐसा होता है कि दिन भर एक क्लाइंट भी नहीं आता, और ऐसा भी दिन गुजरता है जब क्लाइंट ही क्लाइंट होते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। वो समय होगा मार्च, वो समय होगा जुलाई, वो समय होगा सितंबर, जब तुम्हारे को खाना खाने की फुर्सत भी नहीं होगी। मेरी बात लिख के लेना कि मार्च जुलाई सितंबर खाना खाने की फुर्सत नहीं होगी। क्लाइंट पैसा लेकर रेडी है, पर तुम बोलोगे बाद में आ, बाद में देखते, मेरे को पहले काम करने दे। क्लाइंट पैसा लेके रेडी होगा पर तुम काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि तुम फिजिकली थक चुके होंगे, मेंटली थक चुके होंगे। मार्च जुलाई और सितंबर सीए की लाइफ का ऐसा महीना होता है जहां पे शायद वो घर भी 2 घंटे के लिए जाता है, सोता भी 3 घंटे के लिए। ये सब सिर्फ उस दिन का प्रिपरेशन है कि जब तुम सितंबर के अंदर में किसी का ऑडिट कंप्लीट करते रहो, जब तुम मार्च में किसी का रिटर्न भरते रहो या जुलाई में किसी का रिटर्न भरते रहो, तब तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस हो कि तुम चुपचाप एक जगह टिका करके बैठ सको। ये आज तुम ट्रेनिंग ले रहे हो। ये ट्रेनिंग सिर्फ उस दिन की है जिस दिन तुम उस दिन के लिए रेडी रहोगे। क्लाइंट क्लाइंट प्रिमाइसिस, सर बताता हूं आपको बात मोटिवेशन की, पर सुनना। क्लाइंट प्रिमाइसिस पे जिस दिन रेड पड़ती है, क्लाइंट प्रिमाइसिस पे जिस दिन रेड पड़ती है, तुम अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि पैसा मिलने वाला है। वो तो मिलेगा, बाय प्रोडक्ट है। सीए के लिए पैसा कभी भी बाय प्रोडक्ट है बेटा, ये याद रखना। क्योंकि एक बार सीए बन गए, पैसा तो आना ही है बे, जाएगा किधर, जाएगा किधर? और हम नहीं तो कौन? अपने आप से हमेशा ये सवाल पूछे, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन वेन। अगर मैं नहीं तो और कौन? अबे मेरे लिए ही बना है, अपने लिए ही बना है। अपन ने डायरेक्ट पूछने का, ये सब अपने लिए बना है। सर लेकिन मार्केट में बहुत सारे सीए। अरे होंगे, तुम्हें क्या, तुम जब नहीं थे तब भी थे, तुम नहीं रहोगे तब भी होंगे। पर एक बात याद रखना, जिस दिन क्लाइंट के यहां रेड पड़ती है उस दिन तुम अनटायरिंग खड़े रहते हो, क्योंकि पूरे 6 साल के असेसमेंट खुलते हैं पिछले, तुम खड़े रहते हो। उसके घर वाले रहे ना रहे, तुम खड़े रहोगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ, आदमी परेशान हो गया, सिर्फ एक आदमी खड़ा रहा, सीए। वो रात कयामत की रात थी, धंधों के धंधे वालों के लिए कयामत की रात थी, क्योंकि आदमी परेशान पैसे का करे क्या, और सीए बोला आओ आओ कभी हवेली पे। समझ में आ रही बात? उस टाइम तुम ये नहीं बोल सकते। इमेजिन बेटा, मान लो डिमोनेटाइजेशन आता है फ्यूचर में कभी भी, तुम उस टाइम ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं मैं बहुत थक गया, नहीं नहीं आज संडे है, आज तो छुट्टी का दिन है। अरे टेंशन नहीं लेना, ये सब जितना पेशेंस है ये उस दिन काम आएगा। एक एक पसीने का बदला उस दिन काम आएगा जब मेरी मम्मी के आंख में आंसू रहेगा, मेरा बच्चा सीए हो गया। सब मेहनत उस दिन काम आएगी, सब मेहनत उस दिन काम आएगी। बिलीव मी, तुमने सीपीटी में कुत्ते के जैसी मेहनत करी, पागलों जैसी मेहनत करी। जिस दिन तुम्हारा सीपीटी का रिजल्ट आया, तुम्हारे को एक पॉइंट ध्यान में नहीं था कि तुमने कितनी मेहनत करी, क्योंकि वो एक सेकंड की खुशी चार चार महीनों की मेहनत से ऊपर की होती है। वो बस एक मिनट की खुशी 4 महीने के मेहनत की ऊपर की होती है। सोच, 12th में तूने इससे ज्यादा मेहनत की थी, ये बात तो तुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 12th में तेरी मेहनत बहुत ज्यादा थी, लेकिन जिस दिन आज का वो पीरियड समझ, आज का वो पीरियड समझ, तू 12th की मेहनत को याद भी नहीं करता। वो निकल गया, वो टाइम गुजर गया। ये भी एक टाइम में गुजर जाएगा। जब तुम फाइनल की क्लास में बैठोगे ना, तब तुमको याद भी नहीं आएगा कि तुमने इंटर में कितनी मेहनत की है। पास्ट इज पास्ट, सब होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे को बैठे बैठे ऐसा लगेगा, क्योंकि मैं इतने देर से पढ़ा रहा हूँ। आप ये सोच के देखिए, मेरे को कई बच्चे बोले, कल भी बोले, सर लाइट गई हम तो भी पढ़ रहे थे, क्या जरूरत है ये करने की, गला गया उसके बाद भी करना है। मैं आप सबको एज अ बड़ा भाई बस एक बात बोलना चाहता हूँ, बेटा बड़े ड्रीम के लिए बड़ी मेहनत लगती है, छोटे ड्रीम के लिए छोटी मेहनत लगती है। तुम डिसाइड करो तुम्हारा ड्रीम कितना है। मेरा ड्रीम है, पुणे में सीए का बच्चा है तो वो मेरा ही होना।
और उसके लिए मेरे को पागल के जैसा मेहनत करने की है, उसके लिए मेरे को पागल के जैसे मेहनत करने की है। मेरे को ऐसा लगता है वो बच्चा मेरा होना, उसके बाद वो चार से बात करे तो उसमें डिस्कशन में भी मैं होना, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, और जब मैं हूं तो कोई और करेगा ही क्यों। मैं हूं तो कोई और करेगा ही क्यों, काम खत्म। बेटा आपको पागलों के जैसे मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलती। साहब एक बात बताता हूं, छोटी सी बात बताता हूं, 4 तारीख से बैच चालू होगा, आप में से सबको पता है क्या जरूरत है मुझे उतनी मेहनत करने की, आंसर इज नो। बट फिर भी आपका जब ब्रेक था तब भी जाके काउंसलिंग कर रहा था, बाद में भी कर रहा था। पॉइंट ये नहीं है कि इससे क्या गेन होगा, पॉइंट ये है कि अगर ड्रीम छोटे नहीं है तो मेहनत छोटी नहीं लगेगी, ड्रीम छोटे नहीं है तो मेहनत छोटी नहीं लगेगी। तुम डिसाइड करो तुमको कितनी मेहनत करनी है, पागलों के जैसे जब मेहनत करोगे ना तो जाकर के रिकॉग्निशन मिलता है, ऐसे रिकॉग्निशन नहीं मिलता। पहला आदमी कौन था जो चांद पे गया था, तीसरा किसी को पता नहीं, ना कोई जानने में इंटरेस्टेड है, ना कोई जानने में इंटरेस्टेड है। नो डाउट तुम बहुत थक चुके हो, साला पिछले 6 महीने से अपने आप की ऐसी तैसी करा चुके हो, बॉडी के अते पते नहीं, रिलेटिव के अते पते नहीं, हॉबी क्या होती है पता नहीं, और तुम अपनी पूरी ऐसी तैसी करा चुके हो पिछले 6 महीने में, या शायद उससे भी ज्यादा अगर नवंबर अटेम्प्ट दिया होगा तो। पर इन सारी चीजों का सोल्यूशन एक ही है बेटा, जिस दिन तुम्हारा ये रिजल्ट आ गया ना उस दिन सब मेहनत 1 सेकंड में फ्रूटफुल लगती है, 1 सेकंड में। और इसके बीच में 10 तकलीफ आएगी, और बेटा तकलीफ ही नहीं आई तो सक्सेस स्टोरी का घंटा बनाओगे क्या, बताओगे कल चल के अपने बच्चे को तेरे बाप कौन था, एक आम आदमी जिसने बस नॉर्मल मेहनत करी, या कुछ बताने के लिए होगा कि एक टाइल पे बैठ के खाना खाया है, हर संडे गवाया है, रिलेटिव छोड़ा है, पागलों के जैसे रिवीजन बैच किए जहां मास्टर पागल और हम उससे डबल पागल। बताने के लिए ना कुछ इनसेनली पागल चीज होनी चाहिए बेटे, बताने के लिए कांड होना चाहिए, किससे तो कईयों के पास है, बताने के लिए कांड तो होना चाहिए कि सारा जिस दिन पूरी दुनिया मजे ले रही थी संडे के 26 जनवरी के, उस दिन भी शाम तक मैं बैठा था पागल जैसे, तब जाके मेरे भाई। ऐसे ही आप सोच के देखिए ना, ऐसी मूर्ति भी भगवान नहीं बनती, पत्थर को भी हथौड़ा लेना पड़ता है, ऐसी बन जाएगा नहीं, बहुत प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रोसेस है। और मैं तुम्हारे को एक बहुत अच्छी बात बोलता हूं, शायद थोड़ी सी ये बात एडल्ट्री होगी पर सुनना, तुम इससे बड़ी जंग लड़के आ चुके हो जब तुम पैदा होने वाले थे, तुम इससे बड़ी जंग लड़के आ चुके हो जब तुम पैदा होने वाले थे, तुमने कई चीजों से लड़ा है तब जाके तुम यहाँ आए हो, ये बस एक छोटी सी एग्जाम है। तुमने इसके पहले कई हर्डल्स पार किए पर तुमको पता नहीं चला कि तुमने वो हर्डल पार किए। पहली बार चलना भी लाइफ में बहुत मुश्किल था, तुम 10 बार गिरे थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज गिर चुके हो, आज तुम उठ भी सकते हो, भाग भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, सिर्फ एक चीज से बच के रहो, वो है रुकना। रुको मत किसी भी चीज में, पागलों के जैसे वर्क करने का। बॉस अपन ने पिछले 6 महीने भयंकर मस्ती की होगी, कमी रखी कहीं, आप खुद सोच के देखो कमी होगी कहीं, आपने हर मस्ती की, पढ़ाई की नो डाउट पर मस्ती भी की, पर अब ये समय है पढ़ के कुछ करने का। जो पास्ट हो गया वो पास्ट, फ्यूचर में नहीं देखने का, अब इसको आगे क्या कर सकते हो। अगर हम भी यही बात बोलते तो हम भी बोलते थे हमने पढ़ा दिया, हमारा काम खत्म हो गया, हम यहां पे नहीं बैठे होते अपने 4 दिन गवा करके, बैठे हैं क्यों, क्योंकि रिजल्ट लाएंगे, आउटपुट लाएगा तो मेहनत मिलेगी। जब मेहनत करने के बाद बच्चा बस 1 मिनट अप्रेस कर देता है ना, वो लगता है कि नहीं मेहनत सफल हो गई, उसके बाद कुछ नहीं दिखता। ठीक तुम्हारा भी ऐसा ही होगा, जिस दिन सीए बन जाओगे पहली बार पप्पा के मुंह से सुनोगे ना, और सीए साहब नालायक के जगह और सीए साहब सुनोगे ना सर, उस दिन का मजा ही अलग है, मजा ही अलग है। क्योंकि उस दिन सीए बनने के बाद दूसरे दिन तुम्हारे डैड तुमको उठाने नहीं आएंगे, बोलेंगे सोने दे अब क्या है, इसने तो अचीव कर लिया।
और तुम उठ के नेक्स्ट डे से पप्पा को उठाओगे, पप्पा रिटायरमेंट का टाइम, जाओ जरा घूम के आओ, कमाने के लिए बैठा है ना मैं। वो पल जो रहेगा ना, खुशी अलग है। लाइफ में पहली बार अपनी कमाई से अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे ना, तब मजा आएगा। पहली बार 26 जनवरी सीए बनने के बाद अपने मम्मी पापा को शॉपिंग मॉल में लेके जाओगे, जिस चीज पे अच्छे लग रहे हैं वो चीज उठा लेने का, टेंशन नहीं लेने का, और जेब से निकालोगे कार्ड, मम्मी ये कार्ड रख, जो पसंद आए ले लेना, मैं चाय पी रहा। वो जो खुशी होगी ना साला सीए बनने की, वो चाहिए रे, बाकी क्या है। और उस चीज के लिए, बस उस दिन तुम शांति से बैठ सको, इस चीज के लिए तुमको आज मेहनत करनी है। और ये एज है, कर लोगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी के बाप का कुछ नहीं जाना, तुम्हारे बाप का भी कुछ नहीं जाना, क्योंकि उनने तो अपनी निकाल दी, झेलना तुमको है, उनने अपनी निकाल दी, झेलना तुमको है। एंड इट इज ओनली यू, बिलीव मी, इट इज ओनली यू जो तुम्हारे लाइफ का करियर चेंज कर सकता है, जो तुम्हारे पाथ चेंज कर सकता है। तुम्हारे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, एक बात समझ के चलना, तुम्हारे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। टेम्पररी पीपल, चीप मेंटालिटी एंड शॉर्ट बेनिफिट, ये तीनों भी चीजों से आगे बढ़ना। लाइफ इज टू शॉर्ट टू डील विथ चीप पीपल एंड चीप ड्रिंक्स। पागलों के जैसे मेहनत करो, रुकने का मन करेगा, थकने का मन करेगा, दिल बोलेगा नहीं यार बस अब बहुत हो गया, कुछ नहीं जा रहा दिमाग में, ऐसे कैसे नहीं जाएगा, जाना चाहिए और जाना ही चाहिए। अपने आप से प्लीज ये सवाल रोज करे, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन वेन, इफ नॉट मी देन हु, साला मैं नहीं तो और कौन, और कोई और तुमसे सक्सेस चुरा करके लेके जाए, क्यों तुम्हारे हाथ पाव बंदे थे, तुम्हारे पास दिमाग नहीं था, आंख नहीं था, या अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सब था, साले तूने मेहनत नहीं करी। कर, तेरे बाजू वाला कर सकता है तो तू कर सकता है, वो साला 4 घंटा जग सकता है तो तू 5 घंटा जग सकता है, सिर्फ 1 सेकंड तेरे को दूसरों से आगे रहना है, बस 1 सेकंड तेरे को दूसरों से आगे रहना है, यू विल बी अप्रेज्ड अ लॉट। तेरे को बस 1 मिनट दूसरों से आगे रहना है, पागलों के जैसे मेहनत करनी है। माइंड भी तुमको ऐसा लग सकता है, अरे यार ये सब बहुत सुन लिया, अब बकवास है, नहीं, अपने आप को 10 बार मोटिवेट कर। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो 700 के साथ आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एक ही चीज है जो तुम्हारे को कीप गोइंग रखेगी, और कुछ नहीं। पर्पज होगा तो जीने का मतलब है, अगर गोल ही खत्म हो गए तो तुम्हारे जीने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब ये गोल कुछ भी हो सकता है, मे बी अचीविंग अ डिग्री, मे बी कंप्लीटिंग दिस विद इन सम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, मे बी अर्निंग सम मनी, और व्हाटसोएवर, अपने अपने ड्रीम, अलग अलग ड्रीम। और आप सोच के देखो सर, कंप्लीट कर लिया, बस उस दिन का एक मौका छोड़ना। हम आपको बताते हैं सर, रिजल्ट आया 23 तारीख को, वी स्मार्ट अकेडमी में विशाल सर के 10 रैंक, दर्शन सर के 8 रैंक, 18 रैंक वी स्मार्ट अकेडमी से सीए फाइनल में, 18 रैंक। ये बच्चे आकर के जब मिलते हैं ना सीए बनने के बाद, खुशी होती है, इनको साला इंटर से बड़ा होते हुए देखा है फाइनल तक। नो डाउट तुम भी जिस दिन जाओगे उस दिन ऐसा लगेगा, इंटर की बैच के बाद अपन फाइनल में मिलेंगे, फाइनल होने के बाद सर पास हो गए तो ऐसा लगता है कि यार ये बच्चे को बढ़ता हुआ देखा है। टीचर को उस टाइम उसकी मेहनत सफल लगती है, और तुमको उस टाइम लगेगा कि नहीं यार अपन ने जो मेहनत करी वो सही है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा नाम बदल जाएगा, और पूरी मेहनत बस ये नाम बदलने की है। क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे ना, किसी ने नाम दे दिया था, जा तेरा नाम विजय, इसको सीए विजय बनाने के पीछे मेरी मेहनत है, और वही तुम्हारे साथ भी होगा। इसमें हो सकता है तुम्हारे को प्रॉब्लम आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, प्यार हो गया, प्यार टूट गया, सब प्रॉब्लम आएंगे इसके बीच में, फिर तुम पास इतनी हो रहे, मेहनत कर रहे, तो सब प्रॉब्लम आएंगे, आन दो, इफ नॉट मी देन हु, इफ नॉट मी देन हु, मैं नहीं तो और कौन, इफ नॉट नाउ देन वेन, अब नहीं पढ़ना तो कब करना, अब नहीं करना तो कब करना। और ये चीज तुम्हारे को बार बार ऊपर लेके आएगी, ये चीज तुम्हारे को ऊपर लेके आएगी, क्योंकि तुम 10 बार अगर अपने आप को बोलते रहोगे इफ नॉट मी देन हु, अगर ये मेरा नहीं तो और किसका है। सर एक बात समझ के रखना, रिजल्ट तो फिक्स है, 30% 40% व्हाटएवर,
आपको मेक श्योर करना है कि अपना कितना परसेंट दे कि इस 30 में बैठ सको, और नहीं तो देर इज मई, नवंबर, नवंबर के बाद फिर मई। पर क्या तुम्हारे पास रियली इतना टाइम है तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे गोल्स के लिए? नो। तुम्हारे गोल्स इतने डिले अगर हो गए, एक टाइम होता है जब अपने को एज अ यू नो एज अ पर्सन सोचना पड़ता है दैट वेयर एम आई गोइंग, वॉट आई एम डूइंग। लाइफ इज नॉट जस्ट मिंट कि आप सुबह उठें, बैग ओपन करें, उठ के कहीं जाएं, आए, क्लोज कर दें, सो जाए। नो, दिस इज नॉट लाइफ। देर आर मेनी थिंग्स, कमाने का, डोनेट करने का, देर आर मेनी थिंग्स इन लाइफ यू नीड टू डू। 60 से पहले तुम्हारे को ये सब कंप्लीट करने का है। सब मन करेगा, बस थक गया मैं, बहुत हो गया, सब होगा, सब होगा। इससे ऊपर अगर तू है तो सक्सेस तेरे लिए वेट कर रही है। तो अगर इन चीजों से ऊपर है तो सक्सेस तेरे लिए वेट कर रही है। सक्सेस ऑल्सो टेस्ट पेशेंस बॉस। मैं आपको बस छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूं। एक टाइम था साहब, राइट, प्रेस्टीज में हर जगह घूमा, हमारे को पढ़ाना आता है, मैं भी दर्शन भी, खैर पढ़ाना आता है, पढ़ाने दे दो, पढ़ाना आता है, पढ़ाने दे दो, नोबडी टर्न अप। एक्सपीरियंस नहीं था। क्या नहीं था? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस नहीं था। करा ना सेठ, 6 साल से 7 साल से पागल के जैसे मेहनत कर रहे ना, अभी क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देन वी गेट अ ऑफर, लेट्स मर्ज। फिर ऑफर आता, मर्ज कर लेते, ज्वाइन कर लो, साहब सब होगा, सब होगा तुम्हारे साथ भी। जिस जिसने ठुकराया है सब वापस आएगा, घूम के वापस आएगा। और साला इतनी तकलीफ क्रिएट कर दो जब तक के कि मजबूरी हो जाने को ना सामने वाला। और इतना तो भगवान ने दिया ही चाहे अपने को, बैक बेंचर है, जुगाड़ से नहीं बना सके तो फिर किस काम के? क्योंकि जिस दिन तुम इस कोर्स में आए थे उस दिन तुमने पहला जुगाड़ किया था। परसेंटेज कुछ भी हो, इस कोर्स में एंट्री है, यही तो सबसे बड़ा जुगाड़ था, ये तुम्हारा सबसे बड़ा जुगाड़ था मेरे भाई। और खत्म काम, पागल के ऐसे भिड़ जाने का, कोई खड़ा करने को रेडी नहीं था। जिस दिन पहली बार बैच लिया, 2 बच्चे, उसमें से भी एक ने रिफंड मांगा। होता है, चिल। उसके बाद क्या हुआ वो आपको भी मालूम है और मेरे को भी मालूम है। अभी मैराथन के अंदर में तुम बैठे हो, साला रेगुलर में आने को तैयार नहीं था कोई, और मैराथन में हम क्राउड लेकर के बैठे हैं। बस ये जो गैप है ना, इसको अपन सक्सेस नहीं मेहनत बोलते हैं। जो लोगों को सक्सेस दिखती है और अपने को मेहनत दिखती है। क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने कितने बार अपना गला गवाया है, कितना टाइम वेस्ट किया, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली ने जो सेक्रीफाइस किया। क्योंकि संडे तो पल्लवी और स्वास्तिक का भी है ना, बट दे आर ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग अलॉन्ग विथ मी। व्हेन आई सेड कि मैं 9 नहीं 9:30 को आएगा, मैं 9:30 नहीं 10 को आएगा। और तुम्हारा गोल भी तुम्हारे को बस यही चीज़ डिमांड करता है, क्या तुम लिटिल एक्स्ट्रा पुश करने के लिए रेडी हो? लिटिल एक्स्ट्रा, लिटिल एक्स्ट्रा, काम खत्म, लिटिल एक्स्ट्रा। तुम्हारे को लगता है एग्जाम लिखते वक्त नहीं यार बस और हाथ दुख गए, थोड़ा सा और लिख दे। जहां तुमको लगे तुम मतलब अब तुम एक्सटिंग्विश होने वाले हो, मैं कहता हूं वहां अपने आप को फिर एक बार मोटिवेट करके वापस से अपने आप को पुशअप कर। दिन खत्म हो गया, फर्क नहीं पड़ता, रात आ गई, फर्क नहीं पड़ता, तेरा दिन या रात तेरे गोल से डिसाइड होनी चाहिए मेरे भाई। तू अगर सर इनमें इधर कुछ बच्चे हैं जो जिनको पता है मेरा रूटीन क्या चल रहा है, उन बच्चों को मैं, वो बच्चे मेरे को लिटरली बोलते हैं सर थोड़ा सा सो जाओ, यहाँ पे है कुछ बच्चे मेरे को लिटरली बोलते हैं सर सो जाओ, हंसने का, अपना काम करने का। ऐसा नहीं है कि उनकी बात नहीं सुननी है, पर पॉइंट ये है कि मेरे को उससे ज़्यादा बड़ा मेरा गोल दिख रहा है और मेरा टाइम कम दिख रहा है मेरे को। मेहनत करने का रे, बोलेंगे 10 लोग बोलेंगे तेरे को, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, सब होगा इस लाइफ के अंदर में, सब होगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो तेरे को सबसे ज्यादा दुनिया का नालायक समझते होंगे,
ओके में थैंक यू बोलने का ना आगे बढ़ने का। सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रख, तू इंपॉर्टेंट है और तेरा गोल इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम किसी भी हाइट को रीच कर सकते हो, उसके ताकत रख सकते हो। या तो फिर तुम डिसाइड कर लो वेर यू वॉन्ट टू बी सैटिस्फाइड, वेदर यू वॉन्ट टू बी सैटिस्फाइड एट मारुति स्विफ्ट और ऑल्टो और यू हैव टू गो टिल BMW। ये आपको डिसाइड करना है, और इतना आसान भी नहीं है स्विफ्ट से BMW पे शिफ्ट होना, क्योंकि उसके लिए जो परसिस्टेंस, डेडिकेशन और एक हार्डवर्क लगता है वो है। और लोगों को सिर्फ आपका ना सक्सेस दिखेगा, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती। आपके साथ भी यही होगा, एज फर्क नहीं पड़ता, आपका बैकग्राउंड क्या था फर्क नहीं पड़ता, तुम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, आर यू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, गेम एंड। देर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज आई एम इन सी ए फाइनल, आई एम इन इंटर, देर इज नो कॉन्सेप्ट। जिस दिन तुमने अपना गोल चेंज कर दिया ना कि मुझे सिर्फ इंटर पास कर लेना है, गलत। यू हैव टू मेक योर गोल थोड़ा सा लिटिल बिट पुश, मेरे को सी ए बनने का, आई एम अ सी ए और आई एम नथिंग, दिस इज द गेम, आई एम अ सी ए और आई एम नथिंग, दिस इज द गेम, दैट्स इट, नो फर्दर एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड। एंड जब तक सी ए नहीं बनते तब तक के डोंट टेल योर सेल्फ आई एम इन CPT, आई एम इन फाउंडेशन, आई एम इन इंटर, आई एम इन IPCC, आई एम इन फाइनल, नो, आई एम अ सी ए और आई एम नॉट अ सी ए, गेम एंड। इफ यू आर नॉट अ सी ए, गो वर्क हार्ड, गो वर्क हार्ड, गेम एंड। टिल द टाइम जब तक बेल्ट तुमको तुरंत सुलाना दे तब तक तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम कर सकते हो। पर अगर तुम बेड पे सो के एक घंटा और सिर्फ व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि वो एक घंटे के अंदर में एज ऑफ नाउ तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये पूरा गेम तुम्हारे को सिर्फ CA बनने की प्रैक्टिस का है, पूरा गेम। कि बॉस दिन भर बैठे रहोगे ऑफिस के अंदर में टिका के, कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है तो भी बैठने का पेशेंस है क्या? और वो भी टाइम आएगा जब बैंक ऑडिट आएगा, सितंबर आएगा, तुम पागल रहोगे, खाने की फुर्सत नहीं। किसी के घर पे कोई CA होगा तो पूछ लेना जो मैं बात बोल रहा हूँ, किसी ने आर्टिकलशिप देखी होगी तो पूछ लेना उसके बाद, खाना तक नसीब नहीं होता सितंबर में CA बनने के बाद। और एज अ टीचर हमारे लिए ये पीरियड, क्योंकि रिजल्ट आ गया, रेगुलर बैच चालू होने वाला है, रिविजन बैच चल रहा है, जितने लोग हैं अमेंडमेंट के लिए वेट कर रहे होंगे, जितने लोग हैं कहीं ना कहीं यू नो नेक्स्ट PD के लिए वेट कर रहे होंगे, फाइनल लेवल पे, इंटर लेवल पे, अब सोचो हमने क्या करने का। हमारे लिए ये पीरियड रहता जहाँ पे अनटायरिंग एफर्ट किया तो आगे के 6 महीने प्रॉपर जाएंगे। और तुम्हारे लिए भी एक पीरियड है, तुम्हारे लिए पीरियड है, ये हर एक के लिए पीरियड बदलता है, प्रैक्टिसिंग के लिए, टीचर्स के लिए, और तुम्हारे लिए पीरियड है अगर तुमने मार्च से पहले अच्छी मेहनत कर ली, क्योंकि मार्च के बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। तुमने मार्च से पहले या सितंबर से पहले मेहनत कर ली, जितनी मेहनत हो सकती है ना तुम्हारे पे पागलों जैसी, वो इस पीरियड में हो सकती। तुम्हारे लिए ये रिटर्न का पीरियड है, और तुम्हारी पहली कमाई है तुम्हारी बुक। इसे दिल खोल के खर्चा करो, दिल खोल के खर्चा करो। मार्च तक के अगर तुम एक बार रिविजन कर पाए तो तुम अपने आप को पास समझना, नहीं तो तुम नवंबर के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि अप्रैल के अंदर में प्रेशर इतना रहता है, इतना प्रेशर रहता है कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। और सर वैसे भी फरवरी आ चुका है, मैं आपको एक बार याद दिला दूं, 28 दिन फरवरी के, मार्च के 31। बस ऐसी एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ, देख लो एक बार, 28 फरवरी के, 31 मार्च के, 30 अप्रैल के। अज्यूम अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो मई में ही एग्जाम होगी, अज्यूम 9, 3, 3, 6 और 2, 8, 89 डेज रिमेन इन द एग्जामिनेशन, अराउंड 9 सब्जेक्ट्स आर देयर, सब्सटेंशियली 10 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट, कैन यू प्रिपेयर? इसी बीच आपका BCom आ रहा है, मैं आपको याद दिला दूं, इसी बीच आपका BCom आ रहा है, एक दिन आपका एग्जाम फॉर्म भरने में जाएगा, आप आउट ऑफ पुणे हैं तो यहाँ से जाने का 2 दिन का शिफ्टिंग का, राइट? और पूरी तबीयत तो ठीक ही रहेगी इस 90 दिन, किसी के यहाँ शादी नहीं होगी, घर में कोई इमरजेंसी आ ही नहीं सकती, और जून है तो इसमें और 30 बढ़ा देना,
खैर 24 घंटे तुम पढ़ोगे, नींद वींद क्या है बेटा? कुल मिला के ना तेरे हाथ में 90 दिन बचे। ये 90 में अगर तू कुछ कर सकता है तो 90 पीने लायक रहेगा। इस 90 में तू कुछ कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो तेरी लाइफ मस्त है। इसमें प्लस 6 मंथ्स ऐड कर देना। और मैं आपको ना सिर्फ एक जज्बा बस 2 मिनट के लिए देना चाहता हूँ, 2 मिनट के लिए एक चीज बस इमेजिन करो। आज तक कितने लोग हैं जिनने फेल का रिजल्ट नहीं देखा? हाथ उठाओ। रिजल्ट ओपन करते हैं और FAIL दिखता है तो क्या होगा? CA में बहुत कॉमन बात है, पर तुम्हारे लिए अब तक ये कॉमन नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये रिजल्ट आ गया ना, वो एक दिन इतना घटिया गुजरता है ना, इतना घटिया, इट्स लाइक कि तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, तुम्हारी बॉडी कोई दफन कर चुका है एंड तुम अंदर से बस जल रहे हो। ये ऐसा फीलिंग होता है। और बस फेल होने के बाद इमेजिन यही 9 सब्जेक्ट फिर से पढ़ने हैं, अकाउंट्स, DT, लॉ, कॉस्टिंग, FM, ऑडिट, EIS। बेटा दोबारा ये बुक ना जहर लगेगी, जहर, क्योंकि यही बुक फिर से उतना पढ़ के नहीं होगा। जिनने नवंबर दिया था और जो ये देख रहे हैं वो मेरी बात को पूरा अंदर तक समझ रहे होंगे। यही बुक उठा के फिर से पढ़ लेना, अकाउंट्स का अमलगमेशन के पूरे प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करना, PGBP फिर एक बार रिवाइज करना। आए है मस्त। सर क्या आप हमें डरा रहे हो? हाँ सर, क्या आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो? हाँ बेटा, जिस दिन फेल का रिजल्ट आ गया ना, तेरे से पहले ना तेरे माँ बाप टूटेंगे, तेरे से पहले तेरे माँ बाप टूटेंगे, क्योंकि वो पिछले 1 साल से तुम्हारे पे 100% ट्रस्ट करके, तुम पे 100% ट्रस्ट करके तुम्हें हर चीज की आजादी दे रहे, हर चीज की, हर चीज की। आप डिसाइड करो करना क्या है। मैंने आधा घंटा सिर्फ इस चीज के लिए बोला, बिकॉज आई वॉज लुकिंग कि कुछ लोग ऐसे गोल अचीव नहीं होते मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। आपके लिए संडे तो मेरे लिए तो डबल संडे, ना चाहूँ ना लूँ, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है, मेहनत करनी है और तुम्हारे साथ करनी है और तुम्हारे को करके दिखाना है। कुछ भी हो जाए, बैठे रहने का चुपचाप टिका करके, जब तक पढ़ा रहा हूँ तब तक पढ़ते रहने का, काम खत्म, गेम एंड, नो इफ नो बट। क्योंकि जितना स्पीड में तुम यहां पढ़ रहे हो उतना स्पीड में तुम सेल्फ में नहीं पढ़ सकते, जितना स्पीड में तुम यहां पढ़ रहे हो उतना स्पीड में तुम सेल्फ में कभी नहीं पढ़ सकते। तो पढ़ लो, और आलस तो तुमको वैसे भी आएगा, कुछ करो या ना करो, समझ में आ रही बात? 10 तकलीफ आएगी, बट आर यू रेडी? चला जा भाई। 35 AD, 35 AD इधर आ।